और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से दो दिवसीय गोरखपुर का दौरा है। गोरखपुर में 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुबह 11 बजे मोहरीपुर संझाई गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम, जहां पर सूरजकुंड में 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 7 जनवरी को राप्ती नगर झरना टोला में भी संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। दो दिन में 4 सभाओं को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय गोरखपुर का दौरा है, बेहद अहम ये दौरा भी माना जा रहा है। 7 जनवरी को राप्ती नगर झरना टोला में भी संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय गोरखपुर का दौरा है, दो दिन में 4 सभाओं को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ जानकारी दे दे कि सीएम योगी का आज से दो दिवसीय गोरखपुर दौरा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी स्कंदिता मिश्रा मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, अगर बात की जाए इस दौरान, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय गोरखपुर का दौरा है, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? देखिए, बिल्कुल आपको याद है, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर दौरे कर रहे हैं और अब दो दिवसीय जो है वो गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें आज का दिन और कल का दिन बेहद खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है उसमें भाग लेंगे, उसमें शामिल होंगे, जाके हर जिलों में जो है वो बीजेपी द्वारा जो है विकसित संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा। और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं और आज और कल दो दिन जो है वो 4 जनसभाओं में जो है 4 कार्यक्रमों में जाएंगे, वहां पर शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें, गोरखपुर पहुंचकर 19 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और जब भी वो वहां पर जाते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं, लेकिन अभी क्योंकि 4 सभाएं हैं और 4 सभाओं में भी शामिल होंगे। आपको बता दें, सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो आज संझाई वार्ड में जाएंगे, वहां पर जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद आपको बता दें, करीब 11 बजे जो है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है कई परियोजनाओं का लोकार्पण करना है, शिलान्यास किया जाना है। और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सूरजकुंड स्थित जो है निरंकारी भवन, वहां पर जाएंगे और वहां पर जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें शामिल होंगे, शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो राप्ती नगर जाएंगे, वहां पर जो है झरना टोला वहां पर जाएंगे, वहां पर जो यात्रा चल रही है जो विकसित भारत संकल्प उसमें शामिल होंगे। और विकसित भारत संकल्प यात्रा की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में निकाली जा रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि किस तरीके से जो उन्होंने भारत के विकास को लेकर जो संकल्प लिए हैं उस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, इसके लिए अगर बात की जाए, क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिसका भी जो भी क्षेत्र पड़ रहा है संसदीय क्षेत्र, वहां पर वो शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कई बार शामिल हो चुके हैं, क्या लगता है जिस तरीके से योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई हैं उनका लाभ लोगों को कितना मिल पा रहा है? क्योंकि लाभार्थियों से सीधा संवाद भी, चाहे मुख्यमंत्री हो या जो भी उस दौरान शामिल हो रहे हैं, वो सीधा संवाद लाभार्थियों से कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, बीजेपी द्वारा तमाम कार्य जो कराए गए हैं, विकास कार्य कराए गए हैं जनता के लिए, वो जनता को मिल पाए हैं नहीं मिल पाए हैं उसको लेकर लगातार जो है जनता के बीच जा रहे हैं सभी पदाधिकारी। और जैसा कि अभी आपने कहा कि जो जिस जिले के सांसद हैं, जिस जिले जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर जो भारत संकल्प यात्रा हो रही है वहां पर जरूर जा रहे हैं, जिसका एक अलग इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्कंदिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।